हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपकी दीदी इज बैक इन फ्रंट ऑफ यू। सोच रही थी मैं कि क्या बनाऊं, तो हमारे कमेंट सेक्शन मैंने खोले तो भैया बहुत लोगों ने बार बार बोल रखा है कि दीदी ऐसा है, ये बता दो कि एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है, एक अच्छी रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट करें, कैसे क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा फाइन, ठीक है। उससे पहले लेकिन तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक अच्छी रिलेशनशिप में क्या नहीं करने का है, व्हाट नॉट टू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी तो तब बनेगी ना जब वो टॉक्सिक, जहरीली, कतई जहर नहीं होगी, तभी वो अच्छी बनेगी। ये वीडियो मैं सोच रही थी तुम्हारे जीजा जी के साथ बनाओ, लेकिन भैया उनको तो काम है, उन्हें वर्क कमिटमेंट्स, वर्क इश्यूज, ही हैज़ टू डू सम वर्क। एंड जब मैं बोलती हूँ कि भैया मुझे काम है, तो मुझे याद आता है कि यही मेरा काम है। तो ठीक है, आ गई हूँ आप लोगों के सामने, डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अपने कानों के पट खोल के मेरी बात सुनना, सही लगेगी, अच्छी लगेगी, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, हाउ डू वी डू दैट। ये देखो पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने, हवा में बातें मैं करती नहीं हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से मैंने मेंशन करी है, लिखी हुई है, ताकि तुम लोगों को ना बकार बकार कम सुनाई दे और मेन पॉइंट ज़्यादा सुनाई दे। तो शुरुआत करेंगे कि पहली चीज़, रिलेशनशिप कोई भी किसी भी तरह की टॉक्सिक बनती ही क्यों है। कोई भी रिलेशनशिप जब बनती है ना, तो बड़ी मीठी मीठी, अच्छी अच्छी, गुड डेज, रोमांटिक डेज, फनी डेज, प्यारे प्यारे दिन होते हैं, लेकिन बाद में धीरे 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 जाके उसमें जहर भरने लग जाता है, वो टॉक्सिक होती चली जाती है। और क्यों होती है, इसके पीछे के रीजन मैं तुम्हें बताती हूँ। रीजन नंबर वन बीइंग, आपको किसी भी तरह से इमोशनल डिपेंडेंस हो गई है अपने पार्टनर के ऊपर। आप इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो अपने पार्टनर, लवर, बॉयफ्रेंड, अदर हाफ, पति, जो भी है, उसके ऊपर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो। आपको ये लगता है कि भैया यार ये खुश है तो मैं खुश हूँ, ये दुखी है तो मैं दुखी हूँ, ये हंस रहा है तो मैं हंसूँगा, ये रो रही है तो मैं रोऊँगा। ये चीज़ भगवान ने इसलिए बनाया तुमको ऐसे कि दूसरा बंदा जो करेगा तुम वो करोगे? नो, हम ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में कंप्लीट हैं। ये चीज़ अगर हो रही है तो ये शुरुआत हो चुकी है टॉक्सिक रिलेशनशिप की। बंद करो। मैं गुजारिश कर रही हूँ तुम लोगों से, अपने को किसी के भी ऊपर, फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता, किसी के भी ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट मत करो। नो। तो भैया आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर टू के ऊपर। आपका पार्टनर अपने आप को आपसे ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर करने लगा है, आपसे ज़्यादा अपने आप को बड़ा मानता है। मेरे तरीके ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी नॉलेज ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा पता है, मेरे को ज़्यादा आता है, मेरे को ज़्यादा पता है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग तुमसे ज़्यादा बेटर है, ऐसा कंसिडर करने लग गए हैं। वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दिस इज़ वॉट दे आर डूइंग। एंड धीरे धीरे वो ये इतनी बार कर चुके हैं कि धीरे धीरे अब आपको भी लगने लगा है कि नहीं यार ये बंदा ज़्यादा सही है, इसको ज़्यादा पता है, इनको ज़्यादा आता है, मुझे इतना नहीं आ पाता। अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो चुके हो तुम, क्योंकि वो तुम्हें ये यकीन दिला चुके हैं कि वो तुमसे ज़्यादा बेटर है, वो तुमसे सुपीरियर है। ये चीज़ अगर तुम्हारा पार्टनर कर रहा है या कर रही है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और टॉक्सिक रिलेशनशिप इससे बड़ी जल्दी होगी, बड़ी जल्दी मामला जो है ऐसा होने लग जाएगा तुम्हारी रिलेशनशिप में। ऐसे लोग जो होते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं, ये लोग इक्वालिटी में यकीन तो रखते नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है, खुद को ज़्यादा बड़ा मानेंगे तो तुम्हें इक्वल कैसे मानेंगे, तुम्हें अपने बराबर क्या, तुम्हें कुछ भी नहीं समझेंगे वो थोड़े टाइम के बाद। और हर रिलेशनशिप में जो दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, हर कोई डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दो बिल्कुल सेम बंदे मिल गए जिंदगी में। एवरी वन हैज़ देयर डिफरेंसेस, और उन डिफरेंसेस को कई लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन डिफरेंसेस को कई लोग मानते हैं कि चलो यार हमें ये चीज़ अलग है, ये इसमें ज़्यादा अच्छी है, ये इसमें ज़्यादा। ऐसे लोग उसमें भी यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि यार तुम ये ऐसे कर ही क्यों रहे हो, ये ऐसे ही होगा जैसे मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। दिस इज वॉट यू कॉल एज शोविनिज्म, आई डोंट नो, बट अपने आप को ज़्यादा ऊंचा, बड़ा, सुपीरियर कंसिडर करना। ये लोग सीधा बोल देते हैं आई एम बेटर, माई वेज आर बेटर, मुझसे कंपैरिजन करो मत, और मुझसे कंपैरिजन करने की सोचना भी मत। और यही चीज़ें गलत हो जाती है, गलत। सुन रहे हो ना, गलत।
पॉइंट नंबर 3, आपका पार्टनर आपके अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देता है। और कमियां निकालने से मेरा मतलब है सही में एक एक चीज में मीन मेक निकालना शुरू करना। हर चीज आपकी कहीं ना कहीं से गलत जरूर है, हर चीज में आपके झोल है, आपके कुछ भी आप ठीक नहीं कर रहे हो। और ये चीज वो धीरे धीरे करते हैं, एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम से करोगे तो तुम्हें इरिटेशन हो जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम बोलोगे यार चले चल निकल अभी। बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो ऐसा करना शुरू करते हैं। और ठीक है यार, देखो एक होता है कमियां निकालना, एक होता है क्रिटिसाइज करना, ताकि बंदा सामने वाला अपने आप को इम्प्रूव कर सके, सामने वाला अपने आप को सुधारे, नई चीज़ें सीखे और ज़िंदगी में और ज़्यादा प्रोग्रेस करे। ये लोग इस तरह से नहीं करते हैं, ये लोग तुम्हारी कमियां इस तरह से निकालते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर बुरा फील होने लग जाएगा, तुम्हें बैड फील होगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें सैडनेस फील होगी कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे से ये गलतियाँ क्यों हो जाती हैं, मैं कुछ सीख क्यों नहीं पा रही, मेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा फील होने लगेगा तुम्हें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिप हो जाएगा, डिप समझते हो, खड्डे में गिर जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ सही ही नहीं होगा जिंदगी में। तुम्हारी कमियां निकालनी शुरू कर रहा है अगर कोई बार बार धीरे धीरे, और इस वे में कि तुम्हारा मोरल डाउन हो रहा है, सतर्क रहिए, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। ओके, दैट वाज बैड। पॉइंट नंबर 4, एक बार या एक बार से ज्यादा ये चीज का बोल देना कि बेटा वो तो मैं हूं जो तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम्हारे साथ कोई और होता या होती तो अभी तक तुमको कब का छोड़ के निकल चुका होता या होती, या हो सकता है कि तुम्हारा इस्तेमाल कर चुका होता या होती। एंड बाय इस्तेमाल आई मीन किसी भी तरह से इस्तेमाल, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, मतलब तुम्हारा फायदा उठा के निकल चुका होता कोई भी, वो तो मैं हूं जो तुम्हारे साथ टिक गया या टिक गई। ये चीज अगर कोई बार बार तुमसे बोले जा रहा है ना, इसका मतलब कि तुम्हें वो ऑलरेडी वर्थलेस कंसिडर करता है कि भैया ठीक है वो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ या कर रही हूँ तुम्हारे साथ रह के, वरना तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई और तुम्हारे साथ अच्छे से टिक जाता। दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से। और तुम्हें क्या है, ये सुन के एकदम से बुरा फील होगा कि यार सही में मतलब अभी तक दुनिया में कितनी खराब है, तुम्हें ऐसा फील करवाएंगे वो कि दुनिया बड़ी खराब है भैया, कोई भरोसे के लायक नहीं है, कोई साथ रहने के लायक नहीं है, वो तो मैं टिक गया या मैं टिक गई, वरना तो। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ ये कर रहा है ना, एक भी बार बोला हो ना, वार्निंग दे दो कि भैया दोबारा ना बोलियो ऐसे बिल्कुल भी मेरे सामने, ठीक है ना। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, अब तो ज्यादा बढ़ गए होंगे, हर सेकंड में कोई ना कोई पैदा हो ही रहा है, बहुत लोग हैं दुनिया में, अकेले तुम नहीं है रे। ये चीज बोल देना वहीं के वहीं मुंह पर, और कोशिश करना अगली बार मुंह से ये शब्द निकले ना, बिकॉज दिस इज डाउनग्रेडिंग, दिस इज बैड, दिस इज टू बैड फॉर यू टू लिसन, यू आर मच मोर वर्थ देन ऑल ऑफ दिस, प्लीज अगली बार ना बोलती हो ऐसे बोल देना बिल्कुल भी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 यानी कि 5th, वो ये है कि आपको हर उस चीज से, हर उस पर्सन से दूर करते चले जाएगा आपका टॉक्सिक पार्टनर जो आपको अच्छा लगता है। आपकी हर हॉबी, कुछ भी चीज आपको जो पसंद होगी ना, उनको खलेगी, कैसे कैसे अच्छी लग रही है, खलती है लोगों को भैया, दिस इज अ टॉक्सिक वर्ल्ड, देयर आर टॉक्सिक पीपल इन, ऐसे मत सोचो कि यार लोगों को ऐसा भी लगता है, हाँ लगता है। अगर तुम्हारे कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं, फीमेल की फीमेल ही फ्रेंड क्यों ना हो, मेल का कोई मेल बेस्टी ही क्यों ना हो, अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है ना, तो उसको वो बंदा या बंदी भी खल जाएगा, वो बोलेंगे यार नहीं, और उस चीज से, उस पर्सन से वो आपको धीरे 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 दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर आप वो चीज़, अब कोई भी आपकी हॉबी है, कुछ भी है, अगर आप वो करोगे या उस पर्सन से मिलने की कोशिश करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको इस चीज़ के लिए बुरा फील करवाएंगे कि यार मतलब मैंने तुम्हें ये बोला है करने के लिए, तुमसे इतना भी नहीं होता, ये शब्द होते हैं। यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये हॉबी, ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है ये, तुमको कल को दिक्कत होगी इस चीज़ से, जबकि दे नो इट हाउ मच यू लाइक इट, स्टिल ये शब्द इस्तेमाल करना, ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें धोखा देगी, मत मिला करो, मत बात करा करो, मत किया करो, इतना टोका टाकी, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस, ओवर इंटरफेरेंस, किसी भी रिलेशनशिप में इतनी इंटरफेरेंस की स्कोप नहीं होती। एंड ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तुमको घुटन होने लग जाएगी, घुटन समझते हो, वो होने लग जाएगी, और अल्टीमेटली वो कोशिश करेंगे तुम्हें सबसे, चीज़ों से, पर्सन से अलग कर दें, क्यों, ताकि तुम इन दी एंड, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बंदा बचे डिपेंडेंट होने के लिए, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो कौन हो, तुम्हारा वही टॉक्सिक पार्टनर।
बस मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं, मेरे पास रहो, मेरे से बात करो, मेरे साथ रहो, जो करना है मेरे साथ करो और किसी के साथ मत करो। क्यों? ताकि तुम डिपेंडेंट हो जाओ उनके ऊपर और हो जाए बर्बादी शुरू। अब मैंने तुम लोगों को 5-5 बड़ी बड़ी मोटी मोटी वजहें दे दी कि भैया रिलेशनशिप टॉक्सिक होना कैसे स्टार्ट हो जाती है, कैसे भयंकर तरीके से ये चीजें अगर हो रही हैं तो कैसे मतलब जहरीली सी हो जाती है आपकी रिलेशनशिप। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी रिलेशनशिप सही में टॉक्सिक हो चुकी है तो आगे क्या करने का है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो तुम यही सुनने आए हो ना कि व्हाट टू डू नाउ, है ना। तो यू पॉइंट नंबर वन, अगर ये 5 पॉइंट में से तुम्हारे साथ 1 या 2 पॉइंट हो रहे हैं ना, तो अभी भी स्कोप है बचने का, अपना रिश्ता बचाने का, अपना रिलेशनशिप सुधारने का स्कोप है। बात कर सकते हो अभी भी, बात से बात बन सकती है। बात करो आपस में दोनों, उनको ये चीज़ बताओ, अपने पार्टनर को ये चीज़ बताओ कि देखो तुम ये सब कर रहे हो, या उनको ये वीडियो भेजो अगर तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा ये सब। क्योंकि होता है आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करने लग जाते हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो कुछ भी करे आपके साथ आपसे नहीं बोला जाता ये वीडियो भेज दो। उनको बताओ कि यार देखो ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ गलत है, इट्स रॉन्ग, गलत कर रही हो भैया तुम, ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हो रहे हैं तो एक ही बार बात होगी। 5 पॉइंट है, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 या 2 बार ही बात होगी अब, जिसमें एक ही बार में तुम बोल दोगे कि देखो ये तुम कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो अब बताओ ये रोकने का है कि नहीं रोकने का है। पॉइंट नंबर टू, अगर बात करने के बाद बात कुछ बनी, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हाँ यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये चीज़ गलत हो रही है, तुमको तकलीफ हो रही है, एंड रियलाइजेशन, अंडरस्टैंड का मेरा मतलब वो फेक वाला अंडरस्टैंड करना नहीं कि ड्रामे करके दिखा दिए, रो के दिखा दिया, या बिल्कुल ही समझते हो ना ड्रामेबाजी समझते हो, वो चीज़ नहीं। एक रियलाइजेशन जो होती है ना, वो बंदे की आंखों में देख के पता लग जाती है, वो बंदे के हाव भाव एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि हाँ यार इसको पता लग गया इसकी गलती है, इसको रियलाइज हो गया कि इसका फॉल्ट है। अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, आपने अच्छे से बात करी और अब आगे तुम देखोगे कि तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी, स्मूथ चलेगी या अभी भी घुटन होगी। क्योंकि जिस बंदे को सही में रियलाइज़ हो जाएगा ना कि वो ऐसा कर रहा है, तो वो अपनी ओर से अपने आप ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करने लग जाएगा, और इतना तो वो करेगा कि यार करेगा या करेगी कि चीज़ें बेटर होने लगी। और तुम्हें भी मदद करनी है इस चीज़ में कि आप रिलेशनशिप तुम दोनों से बनी है, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से ताली नहीं बजती, 1 हाथ से झपायट बजती है, बस। समझ में आ गई बात? ऑफ टॉपिक चली गई मैं, हाँ। तो ताली जब 2 हाथ से बजती है तो तुम्हें भी हेल्प करनी पड़ेगी अपनी साइड से। अगर सामने वाला बंदा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है अब, तो तुम्हें भी हेल्प करनी है। या फिर पॉइंट नंबर 3, यानी कि तीसरा केस, जब आपने कन्फ्रंट कर लिया, बात तो छोड़ो तुम कन्फ्रंट कर चुके हो कि देखो भैया ये सब हो रहा है, गलत हो रहा है, तुम्हें दिक्कत हो रही है, यू आर अनकम्फर्टेबल, और तुम रो चुके हो, गुस्सा हो चुके हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हो, परेशान हो, तुम्हें कोई होप नहीं लग रही कि यार अब ये सुधरने या सुधरने वाली नहीं है, ऐसी हो चुकी है ना अगर स्थिति, तो एक ही चीज़ बचती है फिर कि अच्छा भाई, अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ या मैं चलता हूँ, टाटा बाय। आई नो जितनी आसानी से मैंने ये बाय बोला है, इतनी आसानी से नहीं होता। कई सालों की, 8-8, 10-10 सालों की रिलेशनशिप बाय बोल के नहीं तोड़ी जाती है, एंड इतना इजी नहीं होता है ये चीज़ बोलना या करना, बट यू हैव टू डू इट एनी हाउ। और ये भी हो सकता है कि आपका टॉक्सिक पार्टनर इन सारी चीज़ों को आप ही की गलती बना के पेश कर दे कि देख यार ये तूने क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन, पहले कितना सही चल रही थी चीज़ें, पता नहीं किसने तेरे को भड़काया है, किसने तेरे दिमाग में क्या बातें भर दी, क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन, अभी तक तो सही थी या अभी तक तो तू सही था, अचानक तुझे क्या हो गया, इस तरह की बातें करेंगे। सारी चीज़ें, सारा ये जो ठीक रहा है ना, वो उठा के यूं तुम्हारे सर के ऊपर फोड़ देंगे, वो हर चीज़ को तुम्हारा ही फॉल्ट बता दे। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे टॉक्सिक पीपल भी बहुत ज़्यादा भरे हैं इस दुनिया में, तो ऐसे लोगों से ना मत रखो रिश्ता, दूरी बना लो। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नहीं रह पाओगे तुम, दिमाग खराब हो जाएगा, सब कुछ ही खराब हो जाएगा तुम्हारा, सही बताऊँ तो सब कुछ। क्योंकि जिस इंसान का दिमाग खराब हो जाता है ना, फिर बचता नहीं है कुछ, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कॉन्फिडेंस, सबकी धज्जियाँ उड़ जाने वाली हैं। इट रियली मैटर्स कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों की कंपनी में रहते हैं और कैसा हमारा पार्टनर है, इट रियली मैटर्स।
प्लीज़ ऐसे लोगों से दूरी बनाए, उनको बोल दो कि अच्छा भैया नमस्ते और अब हम आपको कुछ नहीं समझते, सो ओके टाटा बाय। तो आई जस्ट होप कि मैंने तुम लोगों को अच्छे से बढ़िया तरीके से ये चीज़ें भी बता दी कि भैया तुम्हारे रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों हो रही है, रीज़न भी बता दिया मैंने तुम लोगों को, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे ठीक करना है या आगे क्या करना है ये चीज़ भी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से। आई होप तुम लोगों को समझ में आई होगी, अब अपने कान के पट थोड़े से रिलैक्स कर सकते हो, दिमाग में तो बात घुस ही गई होगी, राइट? एंड आई एम रियली मिसिंग योर जीजा जी राइट नाउ। आई रियली वॉन्टेड कि वो वीडियो में आते, फिर वो 50 तरह की शक्लें बनाते, मज़ा आता थोड़ा सा, यू नो, पर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट बट ऑल्सो क्योंकि उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का एंड वो एक आध पॉइंट में भी एड ऑन कर देते, बट कोई बात नहीं, एवरीबडी हैज़ वर्क टू डू, आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू डू, तो आप जाओ जाके अपना काम करो। रुक जाओ दो मिनट। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी व्लॉग्स और रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन विद अनदर वीडियो जो तुम ही लोगों ने रिक्वेस्ट या डिमांड करी है उसके साथ। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे ही बोलना, देखो अपने पार्टनर को बाय टाटा।